आज 10 लक्षण महापर्व का 8वां पावन दिवस उत्तम त्याग धर्म का पावन दिवस है। आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि त्याग धर्म किसे कहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि त्यज तीति त्यागः और परिग्रह निर्वृत्ति त्यागः। परिग्रह से निवृत्ति होना उसका नाम त्याग है। अन्य शास्त्रों में परिग्रह के साथ साथ परिग्रह के त्याग के साथ सुपात्रों को दान देना भी त्याग धर्म कहा गया है। जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन भोग प्रधान दर्शन नहीं होने से त्याग प्रधान दर्शन है, और त्याग प्रधान दर्शन होने से आज के दिन का महत्व जैन दर्शन में बहुत बढ़ जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि त्याग किसका करना? कहा है कि बिन जानन्ते दोष गुणन्ते कैसे तजिए गहिए। जिस तरह हम बिना जाने देखे गुण दोषों का ग्रहण त्याग नहीं करते हैं, उसी तरह त्याग कैसे हो सकता है? अर्थात ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। जो हमने ग्रहण किया उसको छोड़ना, छूटे हुए को नहीं छोड़ना, उसका नाम, जो त्याग ग्रहण पूर्वक त्याग होता है वही वास्तव में त्याग कहलाता है। त्याग दो प्रकार का होता है, एक निश्चय त्याग बोला जाता है और एक व्यवहार त्याग बोला जाता है। निश्चय त्याग में मोह राग द्वेष के छोड़ने का नाम निश्चय त्याग है। मोह मीन्स होता है ममत्व बुद्धि, और राग मीन्स होता है प्रेम, और द्वेष मीन्स होता है जो हमारी द्वेष बुद्धि है। और व्यवहार त्याग में चार प्रकार के दान कहे गए हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। इन चार प्रकार के सुपात्रों को दान देने को व्यवहार त्याग कहा गया है। प्रायः जब जब त्याग धर्म की चर्चा होती है तो इसका संबंध सीधे दान से जोड़ दिया जाता है, जबकि त्याग और दान में बहुत अंतर है। जो उत्तम त्याग धर्म है वह सीधा मोक्ष का कारण है, और जो दान है वह दान पुण्य बंध का कारण है, जो स्वर्ग का कारण है। जिस दान में किसी भी प्रकार की मान बड़ाई या छल कपट, आशा पाने की इच्छा, ख्याति पूजा लाभ इत्यादि की पुष्टि हो, वह दान नहीं कहलाता। त्याग की महिमा के संबंध में नीतिकार ने कहा है कि त्यागो ही परमो धर्मः, त्याग एव परमं तपः, त्यागाद इह यशो लाभः, परत्राभ्युदयो महान। अर्थात क्या कि त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम तप है, त्याग से ही ये भव में यश प्राप्त होता है, और त्याग से ही परभव में भी महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। यह है त्याग धर्म की महिमा है। एक बार की बात है कि एक सड़क किनारे गरीब बैठा हुआ था, और तभी वहां से राजा निकलता है। और राजा उस गरीब से पूछता है, क्यों भाई, क्या हुआ आपको? तो वह गरीब व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मैं गरीब हूं और मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। तो महाराज कहते हैं, ठीक है, आप राज दरबार में आए और वहां आपको जो कुछ भी चाहिए है वह आपको हम सब कुछ दे देंगे। तो गरीब उत्तर देता है, ठीक है महाराज, मैं कल आपके राज दरबार में आकर आपसे ले लूंगा। दूसरे दिन जब वह गरीब राज दरबार में पहुंचता है और वह रात भर विचार करता है कि मैं राजा से क्या वस्तुएं मांगूंगा,
और इसी उधेड़ बुन में उसकी दांत पूरी निकल जाती है, उसे नींद नहीं आती है। और जब वह राजा के पास पहुंचा, राजा ने पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए है? तो राजा ने गरीब ने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सारे राज दरबार के लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि यह गरीब व्यक्ति और राजा सब कुछ देने तैयार हैं, फिर भी यह मना कर रहा है। तब उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो वह कहता है, हे महाराज, जब मैं यह सोचता रहा कि मैं आपसे क्या मांगूंगा, तब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और यदि मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो मेरा तो जीवन ही चला जाएगा। मुझे अब हम अपनी बात करते हैं कि त्याग धर्म भी कुछ ऐसा ही कहता है कि जोड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख है। जहां जहां हम जोड़ने की भावना रखेंगे या जोड़ने का भाव करेंगे, वहां वहां निश्चित ही दुख होगा, और जहां जहां हम छोड़ने की बात करेंगे वहां निश्चित ही सुख होगा। लोक में भी हम देखते हैं जो त्यागी तपस्वी होते हैं, उनके लिए लोग एक सम्मान देते हैं, उनके लिए लोग पूज्य मानते हैं, महंत मानते हैं, उनकी लोक में तो प्रसिद्धि होती ही है, लेकिन उस त्याग के फल में वह मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। जो त्याग धर्म है यह दान का निषेध नहीं करता है, दान तो देना ही चाहिए, लेकिन दान हमारे लिए प्रतिष्ठा मान बढ़ाई इत्यादि के लिए नहीं देना चाहिए। जो लोग मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा के लिए दान देते हैं, उनके संबंध में कहा गया है कि मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होएंगे धरती लटके सूण। जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए दान देते हैं, वह निश्चित ही मरकर के हाथी की पर्याय में जन्म लेते हैं, और उनकी सूण हाथी की तरह क्या है, लटकती रहती है। इसलिए हमारे लिए जो दान है, गुप्त दान को महान दान कहा गया है, गुप्त दान समदान नहीं, और गुप्त पाप समपाप, मतलब गुप्त में किया गया पाप, छिपकर किया गया पाप से कोई बड़ा महान पाप नहीं है। और वैसे ही दान के लिए कहा गया है कि गुप्त रूप में दिया गया सबसे बड़ा दान है, उसके समान दूसरा कोई दान नहीं है। आज हमारे लिए उत्तम त्याग धर्म हमारे जीवन के लिए संदेश देता है कि जो हमारे लिए छोड़ना है, उसके छोड़ने में हमारे लिए मान कसाय की उत्पत्ति नहीं हो, बल्कि उससे हमारी ममत्व बुद्धि टूटे, मोह राग द्वेष टूटे, उसका नाम वास्तव में त्याग धर्म है। आज हमारे लिए दान देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, लेकिन दान हमारे लिए मान बढ़ाई प्रतिष्ठा पद पैसा इत्यादि के लिए नहीं देना चाहिए। यह आज हमारे लिए त्याग धर्म प्रेरणा देता है कि हमारे लिए गरीबों के लिए दान देना, अनाथालयों में दान देना, विद्यालयों में दान देना, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार हमारे लिए, चाहे वह आहार दान हो, औषधि दान हो, अभय दान हो, ज्ञान दान हो, किसी भी प्रकार में अपनी संपत्ति को छोड़ने का भाव करके हमें अपनी मान कसाय कम करना चाहिए, और उससे आसक्ति कम करने का भाव करना चाहिए, छोड़ने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जब सबसे महत्वपूर्ण आज व्यक्ति के लिए पैसा लगता है, धन लगता है, और यदि हमारा जब तक धन से राग नहीं छूटेगा, तब यह जो अन्य परिग्रह है, जो मोह राग द्वेष इत्यादि परद्रव्य भाव हैं, वह भाव भी हमसे कैसे छूट सकते हैं। तो पहले हमारे लिए सबसे पहले दान से ही त्याग की शुरुआत करना चाहिए, और उसके बाद हमें धीरे धीरे आगे अपने कदम बढ़ा करके अपने जीवन में
जो मोह राग द्वेष अनादि काल से चल रहे हैं, जो इस जीव के नहीं है, आत्मा के नहीं है, विकार रूप है, और वह विकार रूप परिणमन की वजह से यह जीव अनंत संसार में भ्रमण करता है, वह अनंत संसार से भी मुक्त हो, उसके लिए उत्तम त्याग धर्म हमारे जीवन में ही नहीं अपितु जन जन के जीवन में परम आवश्यक है। इसलिए सभी इस उत्तम त्याग धर्म के दिन उत्तम त्याग धर्म को धारण करने की भावना भाएं। जय जिनेंद्र।